परमादरणीय निदेशक महोदय, मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं त्रिलोक तिरंगे के राष्ट्रीय तिरंगे के उपलक्ष्य में मेरे विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज भारत, राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को किसी राष्ट्रीय ध्वज को किसी गर्व के क्षणों पर ही लहराया जाता है, लेकिन जिस तरह से आज भारत पर आतंकी हमले हो रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज लहराने से ज़्यादा दफनाने के लिए अधिक काम आ रहा है। जब एक बेटे का शरीर राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर अपने पैतृक गांव या अपने घर जाता है, तो उसकी विधवा पत्नी चीख चीख कर कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, मेरे तो घर की रोटियां चली गई। राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। जिस तरह से सभी साथियों ने बताया है, केसरिया जो रंग होता है वो त्याग व बलिदान का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, और जो हरा रंग होता है वो खुशहाली का और आँखों को सुकून देने का प्रतीक होता है। भारतीय तिरंगे को हमेशा सम्मान के भाव से देखना चाहिए। कभी भी तिरंगे को पानी और ज़मीन के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, यह तिरंगे का अपमान है। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। एंड टीचर्स एंड मेरे सहपाठी साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज पर दो शब्द बोलना चाहूँगा। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज उसकी एक स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, जिसमें कि तीन रंगों का समावेश किया गया है। सबसे पहला केसरिया रंग, मध्य में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग का समावेश है। सबसे पहले केसरिया रंग जो कि त्याग और बलिदान का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में यह आस्था का प्रतीक माना गया है। सबसे मध्य सफ़ेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है। दर्शन शास्त्र के अनुसार इसको ईमानदारी एवं स्वच्छता का प्रतीक माना गया है। सबसे नीचे हरा रंग जो कि खुशहाली का प्रतीक माना गया है। भारतीय ध्वज को लंबाई और चौड़ाई के रेशियो में 3:2 के रेशियो में बांटा गया है। सबसे मध्य जो सफ़ेद रंग होता है उसमें अशोक चक्र, जिसमें कि 24 लाइन्स होती हैं, 12 लाइन्स मनुष्य के अविद्या से दुख तक और 12 लाइन्स जन्म मृत्यु से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। यूँ तो माना गया है कि झंडे का इतिहास बहुत पुराना है। 1907 में सबसे पहला तिरंगा लाहौर कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। उसके बाद 1907, 1917 और फाइनली 1931 में इसको प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कि अशोक चक्र स्थान पर पहले चरखा बनाया गया था। उसके बाद 1947 में फाइनली जुलाई 1947 में इसमें अशोक चक्र को सम्मिलित किया गया और फहराया गया। हमें अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। गुड आफ्टरनून हमारे सर एंड मेरे सहपाठियों, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आज यहां बोलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं अपने दो शब्द कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय ध्वज सभी देशों का एक उसकी आन, उसकी शान, उसकी जान होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है,
जिसमें जिसे सन 1921-16 से लेकर 1921 तक पिंगली वेंकैया जी ने अभिकल्पना करके उसे बनाया था, जिसमें दो रंग दिए थे। सबसे पहले जिसमें लाल रंग दिया था और हरा रंग दिया था। लाल रंग हमारा हिंदुओं के लिए दिया था और हरा रंग मोमडनों के लिए दिया था। उसके बाद उसमें चेंज किया गया, जिसमें सफ़ेद रंग ऐड किया गया और उसमें बीच में चक्र चरखा लगाया गया। तो सन 26 जनवरी 1947 में हमारी समायोजन बैठक में उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में उसमें चेंजेस किए गए, जिसमें केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग और नीले रंग का चक्र लगाया गया। जो सफ़ेद रंग केसरिया रंग होता है वो हमारे बलिदान का और साहस ताकत का प्रतीक होता है। जो सफ़ेद रंग होता है वो हमारा शांति का प्रतीक होता है और जो हरा रंग होता है वह हमारे देश की हरियाली को संबोधित करता है और नीला चक्र जो होता है वो भारत को प्रगतिशील होने के का को संबोधित करता है। जैसे इसको तिरंगे को फहराने के लिए बहुत बलिदान दिए गए हैं, आज भी बहुत से सैनिक इसको फहरता देखने के लिए अपने अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। वैसे ही मैं आज चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा तिरंगा ऐसा ही फहराता रहे। और अंत में दो लाइन बोलना चाहूँगा कि सलाम कर इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सलाम कर इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर नहीं झुकने देना इस तिरंगे का जब तक तुझ में जान है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ एच फैमिली। आज तिरंगे के अवसर पे स्पीच देने का मुझे मौका मिला है, थैंक यू सर। तो तिरंगा जो है हमारे देश की शान है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारे देश के सभी देशवासियां हैं उनको इसका सम्मान करना चाहिए। गौरव को दर्शाता है और उसकी प्रतिनिधिता को भी बताता है। इसमें सबसे पहला रंग जो है वो केसरी रंग होता है, जो देश में शक्ति और साहस को बताता है। जो दूसरा रंग है इसमें सफ़ेद, वो सत्य और सत्य को बताता है। और इसमें तीसरा रंग हरा है, जो हरियाली और संपन्नता को बताता है। इसमें जो सफ़ेद रंग है उसमें बीच में अशोक चक्र है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं जो बताती हैं कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए बिना किसी रुके। यह हमारे देश की शान है, इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए सभी को। यह 22 जुलाई 1947 को इसका अपनाया गया था देश के द्वारा, और सबसे पहले जो फहराया गया था उसको लाल किले पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया गया था। तो लास्ट में यही कहूँगा कि हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी को, और थैंक यू एवरीवन। आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ वह है राष्ट्रीय ध्वज। हर राष्ट्र का अपने प्रतीक और चिन्ह होते हैं जिससे उनके इतिहास के बारे में पता लगता है। भारत के भी अपने कई प्रतीक और चिन्ह हैं, जिसमें सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अगर बात करें हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की, तो सबसे पहले यह 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ थी, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। लेकिन 1931 को वर्ष का सबसे यादगार वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष में भारतीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि आज के समय में उस ध्वज का समारूप है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियों के साथ चरखे को दर्शाया गया था। लेकिन बात करें 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने
इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया, लेकिन इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को दर्शाया गया जो कि धर्म का चक्र माना जाता है। इस तरह से भारतीय तिरंगा भारतीय ध्वज को तिरंगे के रूप में अपनाया गया। बात करें इसके तीन रंगों के बारे में, तो केसरिया रंग को साहस, वीरता, बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग को सत्य और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। सबसे निचली हरी पट्टी को शांत, हरियाली और उत्पादकता का प्रतीक माना जाता है। इसी में अशोक चक्र की बात करें तो इसे धर्म चक्र कहा जाता है, जो कि तीसरी शताब्दी मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर द्वारा लिया गया था। इसे दर्शाने का महत्व ये था कि जीवन गतिशील तरीके से चलता है, उसके रुकने का अर्थ मृत्यु है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज उनके आदेशों और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ये हमारे लिए गौरव और शान की बात है। सशस्त्र सेना के सदस्यों और अन्य नागरिकों ने इस देश की शान के लिए अपना बलिदान दिया है और ये हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की गौरव की बात है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी एक लाइन प्रस्तुत करना चाहूँगी। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का करो सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का करो सम्मान, इसे सम्मान देकर पूरा करो अपना अधिकार, इसे सम्मान देकर पूरा करो अपना अधिकार। थैंक यू। राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। ये हमारे भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारा तिरंगा हवा में लहराता हुआ हमारी स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। हमें गर्व है इस देश में रहने का कि हम इस भूमि में रहते हैं, जो भूमि वीरों और महापुरुषों की है। और ये हमारे देश के हर सैनिक अपनी सेना में ड्यूटी देके और जब शहीद होते हैं तो अपने तिरंगे में लिपटकर घर आते हैं। हमें इस बात का गर्व है। हमारा तिरंगा तीन रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद जो शांति का प्रतीक है, और हरा जो खुशहाली का प्रतीक है। हमारा तिरंगा हमारा सबसे बड़ा शान और गौरव की बात है। हमारे तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने बनाया, डिजाइन किया था, और इसमें उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर अशोक चक्र को हमारे राष्ट्रीय तिरंगे में ऐड किया था, जिसमें 24 तिल्लियां हमारे तिरंगे की शान को बढ़ाती है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा फैलाने की योजना चलाई है। वो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे भारत के हर नागरिक हमारे तिरंगे की पहचान को समझे और हर घर में तिरंगा फैलाया जाए। लगभग 13 से 15 तारीख तक लगभग 20 करोड़ नागरिकों के घर में तिरंगे को फैलाया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तिरंगे को लहराएंगे शान से, ये तिरंगा हमारे लिए हमारी जान से भी प्यारा है। थैंक यू। Dear judges and all my dear friends, I am Harpreet Kaur from CSA Trade and I am standing in front of you to give a speech on the topic National Flag, the symbol of our national pride for entire nation. So the national flag of India is a representation of our hope and the aspiration of the people of the India. It is the symbol of our nation's pride. As Gandhiji said that it is necessary for us Indians, Hindus, Muslims, Jews, Christians, and all the people who feel that their home is India, to have a common flag for them so that they can die and live for it.
सरोजनी नायडू सेड दैट अंडर दिस फ्लैग देर विल बी नो पीजेंट, देर विल बी नो प्रिंस, देर विल बी नो पुअर, देर विल बी नो रिच, देर विल ओनली बी सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्पीकिंग ऑफ द इंडियन फ्लैग हिस्ट्री, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ कॉमन फ्लैग और अ नेशनल फ्लैग फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया. So they decided to form an ad hoc committee which was formed on the 23rd June 1947 and then they came up with all the decisions for the flag until 14 July 1947 and then that flag was adopted on the 22nd July 1947. They decided that the flag should be of tricolor, it should have three panels. The first top panel should be of saffron color. The last panel should be of green color. The bottom, the middle panel should be of white color. That white color would be bearing it at its center the Ashok Chakra symbol, which will have 24 stripes, and those stripes will be of navy blue color and will have equal distance between them. So this was all decided. They also decided that the length and the width of the flag will be of 3:2 ratio. They decided that the flag will be in rectangular color. All this was decided, but there are certain rules for hosting this flag. Like if we are hosting a flag, it should always be on the right side of the pole. Whenever we are drawing a flag, it should always be on the right side of the pole, because it shows the authority. The right side always shows the authority. So we know that our flag is of a great importance to us, and whenever we see a flag, we try to stand and salute for it. That shows that we have a respect and patriotism towards our country, and I think that is a great thing for all of us, and we all should do it. So in conclusion, I would like to say that India and Indian flag deserves all the respect and honor, as it the Indian flag shows the country's sovereignty. Thank you. Good afternoon all of you. जैसा कि हम जानते हैं कि हर राष्ट्र का उसका प्रतीक, उसका स्वाभिमान, उसका जो राष्ट्रध्वज होता है तिरंगा राष्ट्रध्वज होता है, लेकिन हमारे देश का जो है स्वाभिमान है वो तिरंगा है. इतिहास तो सब जानते हैं, सिंपल सी बात है. जिसका इसका जो सुधरा रूप है वो 22 जुलाई 1947 को मिला था, और इसमें तीन कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग. केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, और उसमें जो चक्र है जिसको धर्म चक्र बोलते हैं, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो कि 24 घंटे को दर्शाती हैं, जो कि निरंतर चलता रहता है, जो मतलब जिसका रुकना मृत्यु के समान है, इसलिए हमें रुकना नहीं चाहिए. और जो हरा रंग है वो हरियाली संपन्नता को दर्शाता है. और जैसा कि अपने तिरंगे के मतलब अपने तिरंगे की महत्वता को हम वैसे जान सकते हैं कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो उसमें जब हमारे भारत ने मिशन गंगा चलाया था, और उसमें जब बच्चों को बचाने गए थे, इंडियन बच्चों को, तो जब बच्चों को बस में बैठा लिया गया था, और उन बच्चों ने तिरंगा बस के बाहर लगा दिया था, जिससे यूक्रेन या फिर रूस वालों ने यूक्रेन पे जब हमला कर रहे थे, तो उस बस को छोड़ के बाकी जगह उन्होंने हमला किया था. तो हमारे तिरंगे ने और भी मतलब बच्चों को बचाया है, वहीं से हम समझ सकते हैं. और हमारे किसी देश का प्राइड तब होता है जब वो उसका मतलब क्या कहते हैं, जब तिरंगा उठता है, राष्ट्रीय ध्वज उठता है. जैसे कि स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ चल रहा है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, और मीराबाई चानू ने, मैरी कॉम ने गोल्ड लेके तिरंगा अपना लहराया था. प्राइड तो वही होता है जब अपना तिरंगा ऊपर उठता है, और सबका अपना अपना होता है. और इसके लिए मैं सिर्फ दो लाइन बोलूँगी, अलग है भाषा धर्म जात प्रांत वेश परिवेश, अलग है भाषा धर्म जात प्रांत वेश परिवेश, हम सबका एक ही गौरव राष्ट्र ध्वज तिरंगा श्रेष्ठ. धन्यवाद. गुड आफ्टरनून एवरी वन, आई एम नेहा. टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ टू गिव अ स्पीच ऑन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. Now I am certain that